birleştik. 100 lira peyda limanlaştık. सिटी पुल पे रुकेंगे, एक तरफ से ट्रैफिक चलती रहेगी और इस तरफ आपने आना है तमाम दोस्तों ने, ये सादिक बाजार की तरफ और इकट्ठे हो। जो जिनकी अभिनंदन की हुई है
मतलब इनके क्या ख्यालात हैं और हमें क्या करना चाहिए और हुक्मरानों को ये क्या मैसेज देते हैं। जनाब चौधरी अफसर साहब, ताजरों का मासूम कत्ल बंद करो, बंद करो। ताजरों का मासूम कत्ल बंद करो, बंद करो। तमाम जमहूरियत नामंजूर, 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 तमाम जमहूरियत मेरे ताजो भाइयों, जैसे कि आपके इलम में है जो हम गरीबों में कानून ने लगाया है उसके लिए इंतजार करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप किलो में है, गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में और टैक्सेस की मद में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, जो कि हमारा आम शहरी, आम पाकिस्तानी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आम शहरी क्या यहाँ तो स्वैप फोर्ड भी रो रहे हैं, जितने बिजली के बिलों में टैक्सेस लगे हैं इसकी पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। मैं हक में वक्त से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने जीरो मशीनों के लिए जो नई गाड़ियां अरबों रुपए की मंगा रहे हैं, क्या वो गरीबों पे गरीबों का हक नहीं है? क्या उस पैसे पे गरीबों का हक नहीं है? क्या आप उसको बिजली के बिलों में एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या हम गरीबों को सब्सिडी नहीं दे सकते? आप इन लोगों को अरबों रुपए की नई गाड़ियां लेके दे रहे हैं, लेकिन गरीबों के बारे में कभी आपने नहीं सोचा। अफसोसनाक बात है। ये मेरे भाई मुझे फिर दिखा रहे हैं कि एक यूनिट एक भी नहीं था, एक भी नहीं चला, जीरो यूनिट है और 17,770 रुपए का बिल है। कितने का यूनिट? जीरो यूनिट, जीरो यूनिट ये चेक करें और 17,770 रुपए बिल है। इंतहाई अफसोस का काम है। हमारे लोगों का जुलूम करेंगे, आप जुलूम करेंगे तो पीछे जो भाई है आपसे पैसा है, फिर आपको पता है कि क्या होता है। मेरे भाइयों, आपने आवाज बुलंद कर दी है हुकूमत के खिलाफ, इस IMF प्रोग्राम के खिलाफ। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम ऐसे जीतते रहेंगे। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ताजे भाइयों से ये कहूंगा कि आप सबसे एहतजाज इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखना है उस वक्त तक जब तक ये सालमाना टैक्स वापस नहीं हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ताहिर लाहूती उस रिज़्क से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में होता है। प्यारे ताहिर भाइयों, ताहिर लाहूती उस रिज़्क से बहुत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में होता है। ताजर भाइयों, जो 74 साल से हमारे साथ हो चुका वो हो चुका। अब हमें पता चल गया है कि हमारे मुल्क में ना तो वसाइल की कमी है, ना अल्लाह की नेमतों की कमी है, ना यहाँ दरियाओं की कमी है, ना यहाँ अनाज की कमी है। कमी है तो हम में गैरत की कमी है, जो हम यहूदों अंसारा अग्यार के सामने भीख मांगते हैं। टैक्सों की भरमार की हुई है कि अब हमने इसकी सकत बाकी नहीं है। चाइना में, चाइना की आबादी है 1,34,00,000,000 और उसके वजीर है 14। इंडिया की आबादी है 1,27,00,000,000, उसके वजीर है 32। बरतानिया जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की है
उसकी आबादी है 13 करोड़ और उसके वजीर है 12। और ये देखो पाकिस्तान का हशर, ये 24 करोड़ पे हुक्मरानी करने वाले जालिमों का हिसाब लगाओ कि हमारी आबादी है 24 करोड़ और हमारे वजीर है 96 96। एक साल में अरबों रुपए की अखराजात है और जो मसीर है, जो वजीर है और उनके आगे सेक्रेटरी है, उनके अलल्ले तलल्ले अलहदा है। अब हमें ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने इस तरह का जुल्म किया तो हम तमाम ताजर, पूरे मुल्क के ताजरों की मीटिंगें जारी है, हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे, हम बाइकॉट करेंगे। अब हमने अपनी दुकानें बंद नहीं करनी, हमने इस जमहूरियत ने ना हमें इंसाफ दिया, इस जमहूरियत ने ना हमें तलीम दी, इस जमहूरियत ने ना हमें इलाज दिया, इस जमहूरियत ने ना हमें साफ पानी दिया। चाबी दी तो करप्शन दी, चाबी दी तो जुल्म और सितम के पहाड़ दिए। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम बता दें, हमें ऐसी जमहूरियत की कोई जरूरत नहीं है जहाँ सदारती निजाम हो, एक बंदा जो है लोग हैं वो आए और इस मुल्क की भाग दौड़ संभाले, और करप्शन की सजा मौत हो, करप्शन की सजा उम्र कैद हो, इसके अलावा इस मुल्क का इस सजा का और कोई टूल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदर साहब या जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। ये तार वाला माइक है, ये उधर नहीं आ सकता। जनरल सेक्रेटरी प्रॉपर्टी डीलर।